हिमाचल के साथ लगती पंजाब की सभी सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं। इसके अलावा जिला बिलासपुर के साथ मंडी हमीरपुर शिमला इंटरस्टेट बॉर्डर को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। ये जानकारी एसपी बिलासपुर दिवाकर ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सिर्फ कर्फ्यू के दौरान सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग बाहर आ सकते हैं। 5 से ज्यादा लोग होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के साथ लगती पंजाब की सभी सीमाएं भी पूरी तरह सील कर दी गई हैं। इसके अलावा जिला बिलासपुर के साथ मंडी शिमला इंटरस्टेट बॉर्डर को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्फ्यू के दौरान कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, पब्लिक के कोई मूवमेंट कर्फ्यू के दौरान नहीं होगी। यस, 10 से लेके 2 बजे तक अगर कोई ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं उसके दौरान पब्लिक जो है वो बाहर निकल सकती है। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ पंजाब लगता है, तो जो इंटर स्टेट है उसको टोटली हमने लॉकडाउन कर दिया, सील कर दिया है। और बिलासपुर से मंडी को, हमीरपुर को और शिमला को लोग जाते हैं तो सारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हैं वो टोटली सील हैं। कोई भी गाड़ी बिलासपुर से किसी भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ नहीं जाएगी। और इसमें मैं ये बता देना चाहूँगा कि कोई भी कर्फ्यू के टाइम में कोई भी आदमी बिना पर्पस के घर के बाहर नहीं निकल सकता। अगर 10 और 2 बजे के बीच में आपको टाइम दिया गया है, अगर आपको कोई भी काम है, अगर आपको कोई स्पेशल काम है, जैसे आपको बताया गया कि आपको राशन लेना है, आपको पेट्रोल भरवाना है, आपको कोई भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, वो उसका टाइम फिक्स है, उसका टाइम 10 से 2 बजे तक है। 10 और 2 बजे से के बाद उससे पहले कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। अगर कोई भी कर्फ्यू के जो ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उसके वॉयलेशन करता है तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मैं चाहता हूँ कि 10 और 2 बजे के जो बीच में जो मूवमेंट है उसमें भी ग्रुप्स में नहीं आना है। आपको 5 या 5 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपने आना है तो उससे कम संख्या हो। अगर आप 5 किसी भी सूरत में कर्फ्यू के दौरान 5 या ज़्यादा लोग हैं, दैट इज़ अनलॉफुल, उसमें कार्रवाई होगी। और कर्फ्यू के दौरान कोई भी आदमी घर के बाहर बेवजह घूमता है, पुलिस उसको डिटेन करेगी। जी, जितनी भी शॉप्स हैं, मैं आपको ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जितने भी शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी। सभी शॉप्स जो ये रोज़मर्रा की जो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी है, ये सिर्फ 10 और 2 बजे के बीच में ही खुलेंगी। सभी शॉप्स बंद रहेंगी।